वेलकम टू मोमची चैनल। दोस्तों आज टेनिस के बारे में एक छोटा स्टोरी बताना चाहते हैं। चलिए देखें। एक तरफ आप होते हैं और दूसरी तरफ वो चुनौतियां होती हैं जिन्हें आप किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। एक तरफ आप, दूसरी तरफ जिंदगी की वो चुनौतियां जिन्हें आप खेलते हैं। और गैलरी में बैठे दर्शक, दीर्घा में बैठे लोगों में से कुछ आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, कुछ इस इंतजार में होते हैं कि आप कब हार जाएं। इसमें आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले होते हैं, जो आपको जिंदगी की इस टेनिस मैच को खेलते हुए देखते हैं। और यही जिंदगी है। चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका ने टेनिस कोर्ट में रहते हुए इन बातों का अनुभव किया है और आज हम उन्हीं की कहानी आपसे शेयर करना चाहते हैं। जापान की मशहूर टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने अपने मानसिक स्वास्थ्य की वजह से फ्रेंच ओपन में खेलने से मना कर दिया है। उन्होंने यह निर्णय तब लिया जब वो इसके लिए पेरिस पहुंच चुकी थी और फर्स्ट राउंड मैच जीत चुकी थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया और नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन से हट गई। सोचिए, एक ऐसी टेनिस प्लेयर जो अद्भुत प्रतिभा की धनी है, जो अपने जीवन में सफल है, जो टेनिस पे चार बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी है, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और जो लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है, वो खिलाड़ी आज सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन में है और अपने खराब मानसिक स्वास्थ्य से संघर्ष कर रही है। सोचिए, कई बार इंसान कैसे सब कुछ होते हुए भी बेबस हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नाओमी ओसाका शरीर से फिट है, वो एक खिलाड़ी है, लेकिन शरीर से फिट होते हुए भी उनका मन टूट चुका है और आज हम आपको इसी टूटे हुए मन के बारे में बता रहे हैं। आप शरीर पर आई चोटों का तो इलाज करा सकते हैं, लेकिन मन पर आई चोटों का आप इलाज नहीं करा सकते। दुनिया में ना तो इसका उपचार है, ना ही इसका उपचार कोई डॉक्टर कर सकता है और ना ही इसकी कोई दवाई है। इस मन को केवल आप ही संभाल सकते हैं और इसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन नाओमी ओसाका ऐसा नहीं कर पाई। नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंच चुकी थी। उन्होंने फर्स्ट राउंड का मैच भी जीत लिया था और इस मैच के बाद उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो ये फैसला पहले ही ले चुकी थी। इसके पीछे उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बड़ी वजह बताया था। हालांकि आयोजकों को उनका यह व्यवहार पसंद नहीं आया और उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने के लिए $20,000 यानी लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। नाओमी पहले से अपने मानसिक स्थिति को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थी और डिप्रेशन में थी। इस खबर ने उन्हें और तोड़ दिया। आयोजकों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आयोजकों की चेतावनी के बाद ही नाओमी ने फ्रेंच ओपन को छोड़ने का मन बना लिया और उन्होंने इस पर एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बाकी खिलाड़ियों और उनकी भलाई इसी में है कि वो टूर्नामेंट से हट जाए ताकि सभी अपने गेम पर ध्यान दे सके। उन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि वो वर्ष 2018 से यूएस ओपन के बाद से ही अवसाद का सामना कर रही है और इसके उबरने के लिए उन्हें काफी परेशानी आई है। उन्होंने कहा कि वो पेरिस आने से पहले ही चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रही थी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल होने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो जब भी सबके सामने बोलती हैं तो उसमें उनको घबराहट होने लगती है। आज यहां एक प्रश्न ये भी है कि एक खिलाड़ी के लिए खेलना आवश्यक है या उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है। नाओमी ओसाका पिछले 3 वर्षों से अवसाद और डिप्रेशन से संघर्ष कर रही है और इससे पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के किसी भी पायदान पर पहुंच जाए, लेकिन सफलता कभी भी मन पर मरहम लगाने का काम नहीं कर पाती। टूटा हुआ मन केवल आत्मविश्वास के गोंद से ही जोड़ा जा सकता है और नाओमी इसकी कोशिश कर रही है। आज उनकी इस मनोस्थिति पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता जापान नाम वापस ले लिया है, वो अब मैच नहीं खेलेंगी। वैसे तो क्ले कोर्ट पर खेलना नाओमी ओसाका के लिए हमेशा ही मुश्किल भरा रहा है और पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। फिर भी मानसिक सेहत की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ना लेने के उनके फैसले का कई खिलाड़ियों ने समर्थन किया है।
in my opinion, press is kind of part of the job. We know what we sign up for as professional tennis players, and I can't really comment on what Naomi's feeling or on her decisions that she makes, but at times press conferences... I'm thick, you know, other people are thin. So everyone is different and everyone handles things differently. Many, many of them I've been into where I've been... old, and we will not be that popular in other sports too. ओसाका ने पिछले एक साल में बहुत तेजी से अपने खेल से फैंस के दिल में जगह बनाई है। स्पोर्ट्स बिजनेस पर नजर रखने वाली एक मैगजीन स्पोर्टिको ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि नाओमी ने पिछले 12 महीनों में 413 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की की है। नाओमी के फैसले पर जापान के लोगों का भी उन्हें समर्थन मिला है। まあ、正直びっくりしたっていうのが一番なんですけれども、でもやっぱりスポーツ選手にとって一番大切なのはやっぱ精神状況もやっぱ一番大切なのかなと思うので、その今まで休めなかった分しっかり休んで回復してほしいなと。彼女がこう背負うものっていうのはもう自分だけのことじゃないんで、当然スポンサーなり、ね、あのマスコミなりファンなりもうすごいこう背中に背負って。